यस प्लीज कंफर्म इट्स ऑडिबल. Yes, Sanam, please confirm it's audible. इजी क्वेश्चन से थोड़ा सा शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की. Yes, please try to solve this question. A, O, B are three points on a line segment. C is a point not lying on A, O, B. Angle A, O, C is 40. OX and OY are internal and external bisectors. Yes, please try to solve these two questions. तो इसमें तो यार एंगल BOC निकालना है और इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है. AOB तीन पॉइंट्स हैं एक लाइन पर, एक लाइन सेगमेंट पे, और C एक पॉइंट है जो कि AOB पर लाइन ही करता. एंगल AOC is 40 डिग्री एंड OX एंड OY आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल bisectors ऑफ AOC एंड BOC respectively. फाइंड एंगल दिस BOY. Okay, so find angle BOC. So this angle you have to find out. And I will say by vertically opposite angle, if this is 41, this is between EF and AB. So similarly between EF and AB, so this angle will also be 41.
ओके वी नीड टू फाइंड आउट दिस टोटल एंगल सो दैट इज बीओसी सो वन पार्ट ऑफ इट सो दैट इज आई विल से बीओएफ इज 41 एंड अदर देन दिस दैट इज सीओएफ ओके सो सीओएफ आई आल्सो रिक्वायर सीओएफ अदर देन दिस आई विल से इफ दिस इज 31 बिटवीन आई विल से सीडी एंड ए बी तो सिमिलरली बिटवीन सी डी एंड ए बी दिस विल आल्सो बी 31 वर्टिकली अपोजिट Yes or no? Now, by linear pair, you can find out, I will say, this part you can find out by linear pair. Yes, 41 plus 31. 108. तो दिस पोर्शन कितना हो जाएगा ये सीओएफ वाला पोर्शन 108 हाँ जी तो मुझे कितना बनाना है बीओसी बताना है तो 108 प्लस तो बीओसी बनाने के लिए आपको इतना चाहिए तो आपको दिस यू रिक्वायर तो 41 प्लस 108 सो आंसर वुड बी 149 Yes, please try to answer this question. Second question. Please try to answer this question. This second question. Yes, BOC 149 tha iska yaar. Okay, so let's try to solve this question. हाँ जी, so AOB तीन points हैं एक line segment पे, हाँ जी, please try to solve this question. Three points on a line segment. C is a point not lying on AB. Okay. Angle AOC. So C कहीं बाहर है और AOC उसने 40 degree दिया हुआ है. So this would be 40. तो ये C point हो गया यार. Yes or no? OX and OY are internal and external bisectors of AOC. तो OX respectively दिया हुआ है किसका bisector है? Internal bisector AOC. हाँ जी. AOC का internal bisector. So that is this. OX हाँ जी एंड अदर देन दिस BOC का क्या है एक एक्सटर्नल बाइसेक्टर भी दिया हुआ है ठीक है दिस इज आई विल से BOC ठीक है और ये क्या है दैट इज OY यहीं से निकल रहा है एंगल AOC तो 40 दिया हुआ है यार हाँ जी तो BOY बताना है मुझे यार This angle I need to find out. Yes, please try to solve this question. हाँ जी
अगर ओ एक्स बाइसेक्टर है तो यार ये भी 20 रहेगा और ये भी 20 हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएंगे, यस और नो? ठीक है, तो अगर ये पूरा 40 है तो ये बीओसी कितना हो जाएगा? ये पूरा 40 है तो लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग अगर ये 40 है तो ये पूरे का पूरा कितना होगा? 140। ये पूरे का पूरा कितना हो जाएगा? 140। इसका भी बाइसेक्टर दे रखा है ओ वाई, ठीक है, तो ये बचा हुआ कितना पोर्शन हो जाएगा? 70। ये भी 70, ये भी 70। हाँ जी, क्वेश्चन में फिगर नहीं गिवन था। Okay, so let's try to solve another question. AB parallel to LM. Last time भी काफी सारे questions किए थे यार इसमें। हाँ जी, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Yes, answer from your side. Yes, Azim, Sanam. Yes, answers from your side. Yeah, last time हमने discuss किया था ये question. ऐसा same question I have discussed with you last time. तो ऐसे question क्या होते हैं? अगर ये आपस में parallel lines हैं, तो एक और parallel line इनके center से draw कर दो जो center में point दिया हुआ है. And accordingly you can find out. तो ये angle A निकालना है मुझे यार. हाँ जी, answer आना चाहिए था आपकी तरफ से, अब तक आया नहीं है. हाँ जी, तो ई एफ एक पैरल लाइन लगाई मैंने, तो ए बी और एल एम आपस में पैरल हैं, तो ये ई एफ इनके पैरल है दोनों के, तो अगर ऐसा है तो ये अगर बी है तो ये भी बी होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर, अगर ये सी है तो ये भी सी होगा, यस और नो? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पहले आप ए बी और ई एफ को कंपेयर करो, ए बी और ई एफ को कंपेयर करो, बी बी ऑल्टरनेट इंटीरियर, फिर ई एफ और एल एम को कंपेयर करो, दिस सी एंड दिस सी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए यार, ठीक है, और ये पूरा एंगल कितना होगा? 2 पाई, अगर रेडियंस में बात करूं तो ये पूरा कितना होगा इस पॉइंट के अराउंड, कितना होगा पूरा? 2 पाई 360, रेडियंस में 2 पाई होगा, तो 2 पाई किसके इक्वल बनेगा? a प्लस बी प्लस सी, यस और नो? 2 पाई इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। हाँ जी, तो एक ऑप्शन दे रखा है आपको कि a की वैल्यू आपको इसमें बतानी है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन था कि फाइंड a बताना था। हाँ जी, तो a क्या हो जाएगा? 2 पाई माइनस बी माइनस सी,
तो सी आंसर बन जाएगा आपका। हाँ जी, सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस क्वेश्चन। यस अजीम सनम, ए तो ऐसे ही निकलेगा ना यार, ए निकालना था तो ये वाला सी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, टोटल 2π होगा, 2π इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। Three straight lines x एक्स वाई जेड तीन पैरल लाइन है और एंगल शो किए गए, तो ए एफ बी बताना आपको एंगल। हाँ जी, यस प्लीज ट्राई टू सॉल्व। ए एफ बी निकालना है यार, दिस एंगल यू नीड टू फाइंड आउट। हाँ जी, यस आंसर फ्रॉम योर साइड फॉर दिस क्वेश्चन। तीन स्ट्रेट लाइन है, एक्स वाई जेड पैरेलल है ये तीनों, एक्स वाई जेड। उसके बाद तुम देखो यार डी बी दिस ई एफ, ओके सो दीज लाइंस विल एक्ट एज ट्रांसवर्सल ओनली, ओके एंड द एंगल्स आर शोन, सो फाइंड एंगल ए एफ बी। सो दिस इज द क्वेश्चन, ए एफ बी एंगल मुझे बताना है यार इसमें। हाँ जी, ऑप्शन दे देता हूं मैं इसके, 20, 15, 30, 10। ओके, यस आंसर ए एफ बी अगर मुझे आंसर करना है तो कैसे हम आंसर कर सकते हैं।
हाँ जी, तो ये 125 है एक्सटीरियर एंगल. सो ट्राइंगल अगर मैं डी ई सी लू तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल. एक सौ पच्चीस. हाँ जी, अगर ये 125 है, अगर ये 80 है, सो 125 इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. हाँ जी, तो ये वाला अगर डी वाला पोर्शन अगर 125 है एक्सटीरियर पर, तो सी और ई का जो इंटीरियर पार्ट है उसका जो टोटल सम होगा वो भी 125 होना चाहिए. तो सी का तो इंटीरियर साइड दे रखा है, इंटीरियर एंगल कितना 80, तो ई का कितना हो जाएगा 125 बना लेंगे 45. यस और नो? तो ये 45 हो जाएगा, बताइए. हाँ जी, वाई जेड बी एफ, बी एफ इज ट्रांसवर्सल, वाई एंड जेड आर पैरेलल लाइंस, बी एफ इज ट्रांसवर्सल. हाँ, आ रहे हैं आंसर पर, आ रहे हैं. तो बी एफ ट्रांसवर्सल है. अगर ये दो लाइंस ऐसे हैं और एक 30 ये है, तो ये भी 30 होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो यही तो चीज है इसमें, वाई जेड ट्रांसवर्सल होगी बी एफ, तो ये 30 तो ये भी 30. यस और नो? ये तो था वाई और जेड. उसके बाद मैंने लिया, आई विल से दिस एक्स एंड जेड. एक्स और जेड भी तो पैरेलल है ना, तीनों लाइंस आपस में पैरेलल है ना. तो अगर ये 45 है, अगर एक्स का कंपैरिजन कर रहा हूं, तो ई एफ विल एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल. ई एफ ट्रांसवर्सल एक्ट करेगी यार, ठीक है. और जेड एक्स के पैरेलल है, तो ये पूरा 45 होगा. अगर ये पूरा 45 होगा तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 15. हाँ जी, पूरा 45 है, इतना 30 है, तो 45 में से टोटल 45 हो गया ये, ठीक है. ठीक है, तो 45 में से 30 गए, तो ये कितना बचेगा, दिस पार्ट एंगल ए एफ बी इज. ठीक है, तो ये 30, ये 30 कोरस्पॉन्डिंग, ये 45, तो ये भी 45 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. हाँ जी, तो अगर टोटल 45 है, इतना 30, तो बचा हुआ 15. ओके, सो आई थिंक लास्ट क्वेश्चन क्लियर था आपको. सो लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. हाँ जी, एफ एच ई एंगल निकालना, ये वाला, और ये दिया हुआ है
ए बी सी डी के पैरेलल है और बीई एफ एच के पैरेलल है, ठीक है, तो थोड़ा इसे और पैरेलल बना लो ढंग से। हाँ जी, सो दिस इज द क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Yes, try to solve this. Anji, answers from your side. So let's try to solve this question. तो यार अगर एक लाइन पे ये 60 है, ये 50 है एंगल, तो ये बचा हुआ कितना होगा? 110 तो लीनियर पेयर बनाएगा, तो ये 70 होगा, 70 बनेगा, 180 अगर मुझे लीनियर पेयर बनाना है। हाँ जी, तो एच एफ और बी ई पैरल लाइन है आपस में, तो ये बचा हुआ जो पार्ट था ये 70 हो गया, ठीक है। एंड आई विल से दिस एच ई लाइन विल एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल, दिस एंड दिस, और ये ट्रांसवर्सल एक्ट करेगा। हाँ जी, ये ट्रांसवर्सल एक्ट करेगा, इसे आगे बढ़ा दिया, ये पैरल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल एक्ट करेगा, ठीक है। दो पैरल लाइन है, आई विल से दो पैरल लाइंस हैं, उसमें एक ट्रांसवर्सल है, अगर ये वाला पार्ट दिया हुआ ये अंदर वाला एंगल, तो ये वाला एंगल वो पूछ रहा है, कुछ ऐसा ही है। हाँ जी, तो एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सो दैट इज सम ऑफ आई विल से कंजेक्टिव इंटीरियर एंगल्स इज 180 किया था ये वाला पोर्शन, ये वाला हमने कंसेप्ट किया था, तो ये अगर ये 70 है तो ये 170, ये 110 होना चाहिए। यस और नो? आंसर विल बी 110। क्लियर है? तो ये अगर 70 है तो इसे तो यार 110 होना पड़ेगा ना। सम ऑफ कंजेक्टिव इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180। कंजेक्टिव इंटीरियर एंगल सम ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सो दैट इज 180। बताया था ये, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। Okay, so let's try to solve another question. हाँ जी, तो एंगल एफ एच ई इज 110, सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस, तो एक्सप्लेनेशन इसमें देने की जरूरत नहीं है यार।
हाँ जी, एक लाइन सेगमेंट दी हुई है, उसकी लेंथ दे रखी है और उसे दो पार्ट में डिवाइड करता है एक पॉइंट सी, सच दैट कि ये रिलेशन बनता है AC square is equal to AB into CB, so find the length of CB. तो CB पोर्शन की लेंथ मुझे निकालनी है, तो ये मैं दे रहा हूँ यार आपको, ये बताओ मुझे. Yes, try to solve this question. हाँ जी, तो एक सी पॉइंट ले दिया मैंने इसमें. हाँ जी, तो AC एक्स यूनिट हो गया, तो सी बी कितना यूनिट हो जाएगा, 2 - x. सी बी कितना हो जाएगा, 2 - x, और मुझे सी बी का वैल्यू निकालना है. हाँ जी, सी बी का वैल्यू निकाल लो जल्दी से. हाँ जी, ए सी दे रखा है, पुट करो यार, सभी की वैल्यू पुट कर दो. ए सी है, ए बी है, सी बी है, तो ए सी कितना है, एक्स, एक्स स्क्वेयर. ए बी कितना है, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी, ए बी की वैल्यू कितनी है, 2, सी बी की वैल्यू कितनी है, 2 - x, दैट इज 4 - 2x, सो एक्स स्क्वेयर प्लस 2x - 4 इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. हाँ जी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, सो बाय डिस्क्रिमिनेंट रूल, और आई विल से इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू डू इन क्लास 10 बाय श्रीधराचार्य रूल. ठीक है, तो अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो इसका जो सॉल्यूशंस आएंगे, ऑफ कोर्स इसकी डिग्री 2 है, तो इसके जो दो सॉल्यूशंस आएंगे, जो इसके दो रूट्स आएंगे x1 x2, सो दैट शुड बी इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी डिस्क्रिमिनेंट, सो दैट इज बी स्क्वेयर कोफिशियंट ऑफ x माइनस 4ac कोफिशियंट ऑफ आई विल से x स्क्वेयर एंड दिस अपॉन 2a. हाँ जी, हाँ जी, तो b की वैल्यू कितनी है, आई विल से प्लस 2, a की है प्लस 1 और c की कितनी है -1. कंपेयर कर सकते हो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ. ठीक है, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर कितना है, so that is I will say b की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वेयर माइनस 4, a कितना है 1, c कितना है, so that is -4 2a, so that is 2. so x1 x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दो रूट्स आएंगे, so that is -1 - 2 प्लस -4 into -4, so that is plus 16 प्लस 2 square, so that is I will say 4, 16 plus 4 कितना हो जाएगा, 20, so that will be -2 plus minus root 20 by 2. हाँ जी, so -2 plus minus root 20 by 2, so
तो रूट 20 कितना आएगा, 2 टू द 4, 4, 5 द 20, सो दैट इज 2 रूट 5 माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट 5 बाय 2, दैट इज माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5. हाँ जी, तो x की वैल्यू ये आ गई यार, x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन माइनस रूट फाइव, और ये आ गई है रूट फाइव माइनस वन. हाँ जी, अब मुझे वैल्यू चाहिए bc की, आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ bc, और कुछ वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि दो, जो कि दो यूनिट से कम हो, दो यूनिट से कम ही होगी वैल्यू जो भी आएगी, सो दैट विल बी लेस देन टू यूनिट्स, दो यूनिट से कम होगी bc की वैल्यू ऑफ कोर्स, और ac की भी. हाँ जी, हाँ जी, तो कौन सी वैल्यू मैं पिक करूंगा इसमें, रूट फाइव माइनस वन और माइनस वन माइनस रूट फाइव. हाँ जी, तो टू में से सब्ट्रैक्ट कर दो यार दोनों वैल्यूज, टू माइनस आई विल से दिस माइनस वन एंड अदर इज माइनस वन प्लस माइनस रूट फाइव. चेक कर लो जो सा भी तुम्हें ऑप्शन दिया हुआ है. हाँ जी, टू में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, टू माइनस एक्स, तो यही आई ना एक्स की दोनों वैल्यूज, सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स. हाँ जी, माइनस वन तो सेम ही रहने वाला दोनों केसेस में, तो दैट इज थ्री. ठीक है, एक केस में अगर यहां पर तुम माइनस माइनस रखते हो तो ये बन जाएगा थ्री प्लस रूट फाइव, और अगर तुम यहां पर प्लस रखते हो तो बनेगा थ्री माइनस रूट फाइव. थ्री प्लस रूट फाइव तो यार ज्यादा वैल्यू होगी ना, थ्री प्लस रूट फाइव इज मोर वैल्यू, so that is then two units, root 5 कितना होता है 2 point something, तो 3 में से root 5 मुझे subtract करना पड़ेगा, तभी तो BC उसका part बनेगा, otherwise BC उसका part बनेगा ही नहीं. So there are two values possible, so one is 3 plus root 5 and other one is 3 minus root 5 for this portion, so that is BC. So I will say, आप देख कर ये बता सकते हैं कि सर total value तो 2 unit ही है, ठीक है, तो 3 plus root 5 तो answer नहीं हो सकता किसी भी हालत में, तो 3 में से मुझे रूट 5 सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा, एंड रूट 5 इज आई विल से दैट इज 2.2 के आसपास. क्लियर है, ठीक है, तो वो 0.8 समथिंग के आसपास इसकी वैल्यू आ जाएगी. सो आंसर क्या रहेगा मेरा, 3 माइनस रूट 5. क्लियर है फ्रेंड्स, तो इसका वैल्यू रहेगा 3 माइनस रूट 5, 3 माइनस रूट 5 यूनिट्स. हाँ जी, क्लियर है फ्रेंड्स, सो दिस वॉज द वन ऑफ द क्वेश्चंस, सो लेट्स डू अनदर क्वेश्चन. हाँ जी, क्लियर है अजीम सनम, क्लियर है हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यार इसमें. तो ऑफ कोर्स इसे इसे 2 माइनस एक्स चाहिए, हाँ जी, सो दिस इज द क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन.
ओके सो यस आंसर एनी आंसर फ्रॉम योर साइड. तो यार एक तो परपेंडिकुलर दिया हुआ 90 डिग्री दिया हुआ एंगल है, ये एंगल ए बी डी एक्स दिया हुआ है एंड डी सी ई 85 दिया हुआ है, बी डी सी 30 दिया हुआ है. एक्स निकाल दो यार, एक्स की वैल्यू बताओ इन चारों में से, 30 45 35 55 30 45 35 55. सो आंसर फ्रॉम योर साइड इज 35. सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस. हाँ जी कुछ पैरेलल है क्या, ए डी और बी ई पैरेलल है दोबारा से, ठीक है. ये अगर 85 है तो ये डी सी विल एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है. तो ये भी कितना होएगा, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल डी सी विल एक्ट, जो डी सी है वो ट्रांसवर्सल एक्ट करेगी. तो ये अगर 85 है ये तो ये टोटल भी 85 होना चाहिए, टोटल 85 होना चाहिए, तो बचा हुआ 55 होगा फिर. हाँ जी तो ये बचा हुआ 55 होगा, तभी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे पैरेलल लाइंस. हाँ जी कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, अगर ये 55 है ये 90 दिया हुआ है, सम ऑफ एंगल्स इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 सॉरी, सो दैट इज 90 प्लस 55 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180. हाँ जी तो मुझे अगर इस ट्रायंगल का ए आई विल से ए बी डी का अगर सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 करना है तो कितना हो जाएगा 145, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 35. हाँ जी सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस क्वेश्चन ऑल्सो. Clear as friends, so I think must be clear with this question. So that was the one of the questions. So let's try to solve another question. O is a point, LM is a straight line, and O is a point on LM line ON is drawn, not coinciding with OL or OM. Yes, answer from your side for this question. LM एक स्ट्रेट लाइन है यार, O एक पॉइंट है इस पर, लेट्स से लाइन ओ एन इज ड्रॉन नॉट कोइंसाइडिंग विद ओ एल एंड ओ एम. ओके सो लेट्स से दिस इज ओ एन. If angle OMON is one third of LON, तो LON ज्यादा एंगल है,
लेट्स से दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, तो एंगल एम ओ एन वाई बताना। तो x प्लस वाई इज 180 लीनियर पेयर, x प्लस वाई इज 180 लीनियर पेयर, क्लियर फ्रेंड्स, एंड यू नीड टू फाइंड आउट y। And the relation between this x and y given to you is, so MON is 1/3 of LON, MON is y, and this is 1/3 of LON, so that is x, so y is 1/3 of x. x की वैल्यू, x की जगह 3y पुट कर दो यहां पर, 3y plus y is 180, तो y is 180/4। हाँ जी, तो MON 45 हो जाएगा, वेरी इजी क्वेश्चन, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी लगानी थी इसमें, सो दैट विल बी 45। हाँ जी, सो दैट वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस। Okay, so let's try to solve another question. AC BD के पैरेलल है एंड AE BF के पैरेलल है।
हाँ जी प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. एसी और बीडी पैरेलल है यार. हाँ जी फाइंड एंगल एक्स. लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. Yes. AC और BD अगर पैरेलल हैं एंड इफ दिस दीज लाइंस आर पैरेलल तो ये 130 है तो ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा AB. ठीक है तो दैट इज ये क्या हो जाएगा कंजेक्टिव इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा. यस और नो 50 हो जाएगा ये बचा हुआ एंगल. हाँ जी 60 50 110 तो ये 70 हो जाएगा बचा हुआ एंगल लीनियर पेयर. हाँ जी डीबीजी एक स्ट्रेट लाइन है. दिस इज अ डीबीजी इज अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है अगर ये 50 है ये 60 है तो ये 70 हो जाएगा. टोटल मुझे एक्स निकालना है. हाँ जी ए ई बी एफ के पैरेलल दे रखा है. ए ई इज पैरेलल टू बी एफ. आगे एक्सटेंड करो. हाँ जी क्या होगा आंसर आपकी तरफ से 110. यस सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस. तो यार अब देखो ई ए डी भी एक स्ट्रेट लाइन है. ई ए डी एक स्ट्रेट लाइन है एंड ये टोटल एंगल 180 है. दिस टोटल एंगल इज 180. ठीक है तो इसमें से मुझे एक्स पोर्शन निकालना है. मुझे क्या निकालना है एक्स पोर्शन. तो अगर दिस आई विल से ए सी और बी डी अगर पैरेलल हैं ठीक है और ए बी अगर एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल तो ये अगर 70 है तो ये बचा हुआ भी 70 होगा. तो ये वाला भी 70 होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. यस और नो. हाँ जी 70 होगा या नहीं होगा. तो ये 70 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा एक्स कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा 180 करने के लिए.
Yes. Yes, I think must be clear with this question also. I must be ऐसे भी सोच सकते थे ए बी ए को एक्सटेंड कर दिया बी एफ को एक्सटेंड कर दिया देन ए बी विल एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल आल्सो ठीक है तो ये अगर 70 होगा तो ये वाला भी 70 हो जाएगा और ये बचा हाँ जी इन द गिवन फिगर Yes, so this is the last question of the day. Try to solve this question. DGC और DF, DEF दोनों निकालने हैं यार ये वाला एंगल भी और ये वाला भी अगर आपको दे रखे हैं आर्म ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल एंगल ए बी सी अगर 70 है हाँ जी तो डी जी सी बताओ और दिस डीई एफ बताओ Yes. तो अगर एंगल ए बी सी अगर 70 है हाँ जी तो अगर ये दो एंगल मैं लूं तो दिस एंगल एंड दिस एंगल तो ये जो दोनों लाइन्स हैं ये पैरेलल हैं ए बी एंड डी अगर ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्लियर है तो अगर ये 70 है तो ये दो पैरेलल लाइन्स फिर ले रहा हूं मैं बी सी और ई एफ तो ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा तो आंसर आर 70 एंड 70 कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्लियर है सो दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चंस अगेन ऑन ज्योमेट्री ओके सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स सो आई थिंक आज के क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे सो नेक्स्ट टाइम फिर मिलूंगा और कल रीजनिंग की क्लास रहेगी तो क्लॉक्स के कुछ और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे सो टिल देन कीप वॉचिंग योर वीडियो थैंक्स वंस अगेन